अच्छा जी, तो सबसे पहले देखो एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जी उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और हाँ रिक्वायरमेंट है कि आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके हाँ ओके जी बाद चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। जी अब इन तीनों के फॉर्मेट भी साथ साथ हमारे कवर हो जाएंगे, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या हाँ होगा, चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट क्या होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। ओके अच्छा, अब सबसे पहले हम चलते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीजें हैं। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जिसके आईएएस हमने ना पढ़े हो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है प्रॉपर्टी हाँ पढ़ा हुआ है आई सिस्टम शायद जी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी पढ़ा हुआ जी। है। उसके बाद कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर IAS 38 ये भी पढ़ा हुआ है। सर हम लोग लीज नहीं पढ़ा था ना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी नहीं, ये वो लीजिंग नहीं है, नहीं है। अच्छा लीज होल्ड प्रॉपर्टी अलग है, लीज लीज प्रॉप लीजिंग पे जो एसेट लेते हैं वो अलग है। अच्छा जी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा हुआ है हमने, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ जी है, रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, बैंक बैलेंस है, ट्रेड पेबल्स एंड प्रोविजंस, प्रोविजंस भी पढ़ा हुआ है हमने, रेवेन्यू जी दिया हुआ है, सही है। अच्छा जी, रेवेन्यू में एक एडजस्टमेंट दी हुई है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिन है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है कंपनी ने, इंटरेस्ट है, इक्विटी डिविडेंड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट दी हुई है, इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं, IFRS 9 आ गया, रिटेन अर्निंग दी हुई है, डेफर टैक्स दिया हुआ है, IAS 12 आ गया। तो हमने सारे IAS पढ़े हैं। जी सर एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जी सर मैं इसको जो ना वो अपनी वर्किंग स्क्रीन पे कॉपी कर लूं, ताकि फिर मैं साथ साथ सॉल्व भी करूं और तुम देखते भी जाओ। जी सर चलो। आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर हो रही है सर। अच्छा जी, अब चलते हैं सबसे पहली एडजस्टमेंट के ऊपर। तो नोट नंबर 1 दिया हुआ है नॉन करंट एसेट टेंजिबल एसेट्स। जी टेंजिबल एसेट में दिया हुआ है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी की रिमेनिंग लाइफ 20 साल है, 1 अक्टूबर 2007 को, सही है। जी सर जी सर अच्छा, तो जो डेट हमारी ट्रायल बैलेंस की एंड की दी हुई है और जिस पर हमें बैलेंस शीट बनानी है वो है सितंबर 08, जी और हमें जो लीज होल्ड की रिमेनिंग लाइफ दी हुई है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर दी हुई है। हाँ अच्छा, द प्रॉपर्टी द कंपनीज पॉलिसी इज टू रीवैल्यू द प्रॉपर्टी एट ईच ईयर एंड एंड एट 30 सितंबर इट वॉज वैल्यूड एट 43 मिलियन। तो रीवैल्यू करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू चाहिए। जी सर तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू दी हुई है ट्रायल बैलेंस में, उसके आगे लिखा हुआ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन जी ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी ब्रॉड फॉरवर्ड वैल्यू दी हुई है प्रॉपर्टी की 50,000। उसके बाद इसका डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रहा होगा तुम्हें प्रॉपर्टी का, नहीं है सर उसकी वजह है कि ये रीवैल्यू हो रही है हर साल। तो जब हर ओके साल रीवैल्यू हो रही होगी तो डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो रहा होगा। ओके अच्छा, अब वो कह रहा है कि ईयर एंड के ऊपर दोबारा रीवैल्यू हो रही है, तो पहले तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एक साल का, सही है। रिमेनिंग लाइफ उसने बताया था 20 साल की है,
तो 50,000 को 20 से डिवाइड किया तो एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा जी, कितना होगा? और फिर मार्केट वैल्यू से हमने इसको कंपेयर किया तो मार्केट वैल्यू आ रही है 43,000 जी, सही है? तो रीवैल्यूएशन डेफिसिट आ गया जी, कितना रीवैल्यूएशन डेफिसिट आया? रिवर्ट कर सर जी सर। अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रायल बैलेंस में रखा हुआ है, कितना है? 10,000। किधर लिखा हुआ सर? लास्ट में। ओके, ये वाला जी जी। तो 10,000 अगर ऑलरेडी हमारे पास सरप्लस रखा हुआ है तो ऑफसेट होगा डेफिसिट, इससे ऑफसेट होगा जी सर, होगा डेफिसिट इससे ऑफसेट होगा, और ऑफसेट होगा 4,500, तो रिमेनिंग जो डेफिसिट होगा वो 5,500 बैलेंस शीट में रहेगा, 500 जी, क्रेडिट फॉरवर्ड बैलेंस, सही। अच्छा, प्रॉपर्टी जो बैलेंस शीट में जाएगी वो कितने के ऊपर जाएगी? प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर जाएगी वो होगी 43,000। ओके, और रिवैल्यूएशन डेफिसिट जो ऑफसेट हो रहा है 4,500 का, वो ओसीआई में चला जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ठीक है जी। अब अगला पैराग्राफ पे आ जाए। ऑन 1st October 2007 एन आइटम ऑफ प्लांट वॉज डिस्पोज ऑफ 2.5 मिलियन कैश। हमने एक एसेट बेचा, ऊपर हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है 76,600, उसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 24,600। अब हमने प्लांट बेच दिया, ठीक है, प्लांट की जो प्रोसीड आई उसको हमने बाय मिस्टेक सेल्स रिकॉर्ड कर लिया, ओके, ठीक है, और प्लांट की जो कॉस्ट थी, जो हमने प्लांट बेचा उसकी कॉस्ट 8 मिलियन थी और उसका डेप्रिसिएशन 4 मिलियन था। हाँ, तो ये अब मिस्टेक क्या हुई है कि हमने एसेट की कॉस्ट को एलिमिनेट नहीं किया, उसके डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट नहीं किया, सही है जी, और जो एसेट हमने बेचा है 2.5 मिलियन वो सेल्स में डाल दिए जी सर। हम एडजस्ट करते हैं, सबसे पहले जब हम एक एसेट सेल करते हैं तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होता है और एसेट होता है, एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है जी, इसका मतलब है ऊपर एसेट अकाउंट कम होगा जी, कितने से कम होगा? 8 मिलियन से, 8 मिलियन। उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करते हैं जी सर, वो डेप्रिसिएशन 4 मिलियन से डेबिट हुआ और डिस्पोजल अकाउंट 4 मिलियन से क्रेडिट हुआ। उसके बाद डिस्पोजल की एंट्री पास होती है कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट जी, उसने पास कर दी है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो हमने क्या किया, सेल्स जो बाय मिस्टेक क्रेडिट हुई भी उसको डेबिट करके एलिमिनेट किया और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ओह, ऐसे किया। तो सेल्स का जो 2.5 मिलियन का अफेक्ट है वो रेवेन्यू में जाके एडजस्ट हो जाएगा। सो रेवेन्यू तुम्हें कितना दिया हुआ है? रेवेन्यू तुम्हें दिया हुआ है 300,000 जी सर, इस 300,000 में से सेल्स हमने डेबिट की हुई है तो 300,000 को ये कम कर देगा जी सर, कम करते का। अच्छा, उसके बाद जो रिमेनिंग प्लांट हमारे पास बचेगा उस पे हम 20% रिड्यूसिंग बैलेंस अप्लाई करेंगे। ओके, ऑल प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जी, और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो भी आएगी उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज कर देंगे। ओके, अब इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि प्लांट इक्विपमेंट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी।
और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 76,600 और 24,600 उसका डेप्रिसिएशन। तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो कॉस्ट है कितनी थी? 76,600। इस 76,600 से जो एसिड बिक गया उसकी कॉस्ट को माइनस कर दो। ओके। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो सवाल में गिवन है वो दिया हुआ है 24,600। उस 24,600 में से जो एसेट हमने सेल किया उसका ये माइनस कर दो, ये दोनों आंसर निकालो। 68,600 ये रिमेनिंग कॉस्ट बच गई डेप्रिसिएशन। जी सर, ये डिप्रिसिएशन 4000 क्या आता है? दिया हुआ था एसेट सेल किया उसका डेप्रिसिएशन है। ओके, 20,600 नेट ऑफ करो। ये 48,000 आ गई बुक वैल्यू। जी। और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। जी। और रिड्यूसिंग में बुक वैल्यू पे लगता है। जी सर, 96,000 कितना होगा? 9,600। ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर एज एन एक्सपेंस चला जाएगा। जी सर। सही है? जी। और एसेट की वैल्यू जो होगी बैलेंस शीट के अंदर, जो प्लांट है उसकी बुक वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 48,000 माइनस 9,600। ओके, बुक वैल्यू ओके, 38,400। ये बैलेंस शीट में जाएगी एसेट की। ओके, सो ये पीपीई की एडजस्टमेंट हो गई। अब आ जाते हैं नोट नंबर 2 के ऊपर, इंटेंजिबल एसेट। जी सर। इन एडिशन टू द कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 20 मिलियन, फर्दर आरएनडी कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट व्हिच कमेंस्ड ऑन 1st October 2007। ऊपर हमारे पास ऑलरेडी एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज फॉर्म में पड़ा हुआ है। जी। और वो अमोर्टाइज भी हो रहा है। जी, अमोर्टाइज हो रहा है। अब हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और अभी वो प्रोजेक्ट रिसर्च स्टेज के ऊपर है। और उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लग चुकी है? 20 मिलियन। 20 मिलियन तो पुराने वाला है। पुराने वाला है। अरे यार, ये कहाँ चला गया? बड़े बड़े हो गए। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, दोबारा कॉपी करता हूँ। क्वेश्चन हाँ जी। जी सर। अब ये जो 20 मिलियन के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है तो पुराना वाला है। जी। फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और उसके ऊपर अब तक हमने दिसंबर 2007 तक 1.4 मिलियन की रिसर्च कॉस्ट लगा दी। जी सर। उसके बाद वो कह रहा है कि उस डेट के बाद 8 लाख पर मंथ डेवलपमेंट पे खर्च हो रहे हैं। जी। इसका मतलब है जैन, फेब, मार्च, 3 महीने में 8 लाख पर मंथ खर्च हो गए। लेकिन अप्रैल 2008 से क्राइटेरिया मीट हो गया। जी। और प्रोजेक्ट अभी तक डेवलपमेंट फेज के अंदर है। चल रहा है अभी तक। चल रहा है। तो अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमारी रिसर्च कॉस्ट आ रही है वो कहाँ जाएगी? रिसर्च कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था?
ये कैश था, बट टू कैश एक्सपेंस में जाती है रिसर्च कॉस्ट जी सर सही है, तो 1.4 मिलियन का एक्सपेंस हो गया। जी अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, मीट नहीं हुआ, कब से कब तक? 3 महीने तक, यानी के दिसंबर 2007 से अप्रैल 2008 तक, तो जैन फेब मार्च, 3 महीने की डेवलपमेंट कॉस्ट 800,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये तो एक्सपेंस में जाएगा टोटल जी। उसके बाद से उसने कहा है कि 1 अप्रैल से क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो 1 अप्रैल से दिसंबर तक, 1 अप्रैल से सितंबर तक काउंट करो, 1 अप्रैल से सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने सर, 6 महीना, तो इसका मतलब है 6 महीने की जो कॉस्ट है उसको हम कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट में डाल देंगे। ओके सही है? जी सर, ये पीएनएल में चला जाएगा एक्सपेंस जी। अब वो कह रहा है कि कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अमोर्टाइज होता है 20% पर एनम से स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आएगी वो भी सीओजीएस के अंदर चार्ज होगी। ओके, अदर कंप्रेसिव इनकम, तो ऊपर अमोर्टाइजेशन तो हम ऊपर वाले पे चार्ज करेंगे ना जी। कॉस्ट कितनी है? 20,000। 20,000 सही है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो चार्ज कर रहा है, कह रहा है कि लाइफ पे चार्ज होगा। लाइफ पता है 20% पर एनम जी, तो अमोर्टाइजेशन का रेट दिया हुआ है 20% पर एनम, तो एक साल की अमोर्टाइजेशन कितनी हो जाएगी? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 4,000 सही है जी सर। ये 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा और डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो एक पार्ट बैलेंस शीट पे चला जाएगा। सर हम लोग एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन नहीं करेंगे अक्टूबर 1 का जो 6,000 दिया हुआ है ना, वो भी करेंगे, ऐड करेंगे इसको, तो ऊपर जो 6,000 दिया हुआ 4,000 मिला के 10,000 हो जाएगी टोटल, ओके ये बैलेंस शीट में चली जाएगी। हाँ सर, अब ठीक है, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगी? 6,000 बैलेंस शीट में जाएगी, 10,000 10,000 बैलेंस शीट में जाएगी, कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी। सर हम लोग एमोर्टाइजिंग सिर्फ जो 20,000 दिया है ना 20%, और सिर्फ पीएनएल में जाएगा? हाँ, सिर्फ ये 4,000, ओके, क्योंकि ऊपर जो हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट आ रही है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस, तो अमोर्टाइजेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, अब तीसरे पे चलते हैं, IS-37। कैंडल इज बीइंग सू बाय अ कस्टमर फॉर 2 मिलियन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ कैंसिल ऑर्डर। ओके, Candid has obtained legal opinion that there is a 20% chance that Candid will lose the case. Accordingly, Candid has provided 400,000 included in admin expense. इसको ये पता नहीं है कि chances जो है ना वो probable होने चाहिए provision बनाने के लिए। जी। तो इसने क्या किया? 2 मिलियन की expected cost थी, उसका 20% लगा के 4 लाख का प्रोविजन बना दिया। ओके, और एडमिन में डाल दिया एडमिन एक्सपेंसेस। अच्छा, लीगल कॉस्ट जो इस केस में इनकर्ड हो रही है वो 1 लाख है, 1 लाख वो अब तक उसने रिकॉर्ड नहीं किया जी, तो इसका मतलब लीगल कॉस्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए और प्रोविजन को हटा देना चाहिए जी सर, क्योंकि प्रोविजन कंडीशन मीट नहीं कर रहा। कंडीशन मीट कर रहा है, सही है जी। तो सबसे पहले तो हम प्रोविजन को रिवर्स करते हैं। 2 मिलियन का प्रोविजन जी, ये तो बनना ही नहीं चाहिए क्योंकि चांसेस तो 20% है, 20% है सही है, लेकिन उसने 4 लाख एडमिन एक्सपेंस में चार्ज कर दिए और 1 लाख चार्ज नहीं किया जी, इसका मतलब है एडमिन एक्सपेंस में 3 लाख ज्यादा रिकॉर्ड हुए हैं।
समझे सर, 4 लाख मतलब 1 लाख के समझ नहीं है एक लाख तो लीगल कॉस्ट है ना, ये तो एक्सपेंस में जाएगी, जी, वो आ जाएगी और 4 लाख गलत रिकॉर्ड हुई है एक्सपेंस में। जी सही सर जी। है, तो दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। पहले मैंने 4 मिलियन का क्या किया, जो प्रोविजन गलत बना हुआ था, प्रोविजन डेबिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ओके सही है। फिर जी मैंने लीगल कॉस्ट रिकॉर्ड की, तो लीगल कॉस्ट डेबिट टू कैश और कैश क्रेडिट, ये पे नहीं हुआ है अभी, हाँ तो पे नहीं हुआ तो दीज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर एज द लीगल एक्शन विल नॉट गो टू कोर्ट अंटिल नेक्स्ट ईयर। प्रोविजन में डाल दें। क्यों सर, जन क्योंकि पे नहीं किया ना अभी, इसलिए प्रोविजन में जाएगा ऑपोज। एक्सपेक्टेड है, ओके एस्टिमेटेड है। ओके इसका मतलब है नेट प्रोविजन जो होगा वो 3 मिलियन पे आ जाएगा, हाँ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी 3 मिलियन से एडजस्ट होगा। जी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलें। जी सर, ये क्या 3 लाख कैसे वो माइनस कर दे 4 लाख से, 3 लाख कितने जाएगा, 3 लाख। एक्सपेंस में एडजस्ट हो जाएगा एक्सपेंस। देखो अभी 4 लाख का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, 4 मिलियन का, हाँ लेकिन एक्सपेंस हाँ 1 मिलियन का होना चाहिए। जी 3 मिलियन का एक्सपेंस कम कर देंगे। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रेफरेंस शेयर्स की। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे अप्रैल 2008 को, हाँ एट पार अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, जी सर, सिर्फ सेम है और इसका अफेक्टिव इंटरेस्ट है 12%। जी। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर हम जाके चेक करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं। नजर आ रहे हैं, जी आ रहा है 8% रिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर्स $1 each, जी। और इसके ऊपर डिविडेंड भी पे किया जा चुका है। हाँ डिविडेंड दिया हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड जी 800। जी अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं कि इसका क्या करना है। देखो, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, वो लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट कर रहे होते ओके हैं, और लायबिलिटी को हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें प्रेफरेंस शेयर्स की इनिशियल वैल्यू या इशू प्राइस देखनी पड़ेगी, किस पे इशू हुआ, पार पे इशू हुआ, जी और उसकी अफेक्टिव कॉस्ट 12% है और कूपन 8%। जी अच्छा, और 6 महीने हुए हैं अभी, तो हाँ क्या करना चाहिए? हम लोग इफेक्टिव रेट कर सकते हैं आईआर, अफेक्टिव रेट तो हमें लगाना पड़ेगा ना। नहीं आईआर फाइंड कर सकते हैं इसका, लाइक नहीं, पीवी IRR तो फैक्टर मिला हुआ है से, 12%, क्यों फाइंड आउट और कर? पीवी फैक्टर से कर सकते हैं। नहीं दिया हुआ है ना, तो क्यों फाइंड आउट कर? हमें तो इसकी फाइनेंस कॉस्ट निकालनी है, हाँ तो फाइनेंस कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू, हाँ इनिशियल वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स की 20,000। जी तो इनिशियल वैल्यू आ गई 20,000, फाइनेंस कॉस्ट 12% से ऐड करेंगे ओके और डिविडेंड पेड माइनस कर देंगे, वहां इंटरेस्ट पेड लिखते थे या डिविडेंड पेड लिख देंगे। ओके अब ये बताओ कि फाइनेंस कॉस्ट 12% से और डिविडेंड 8% से,
इसका अमाउंट ढूंढना है, इसके अंदर से इसका अमाउंट कितना होगा, किसके अंदर से? ये जो पॉइंट नंबर फोर है, सर 20,000 में, सर 20,000 में 12% निकाल देंगे, ऐड करेंगे लेस करेंगे? सर ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। और क्या माइनस करेंगे? सर डिविडेंड पे किया तो माइनस करेंगे, डिविडेंड पे किया तो माइनस करेंगे। डिविडेंड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है? डिविडेंड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, पेड बिल के दिया हुआ है ना, इसका मतलब वहीं से उठा के माइनस करेंगे जी। सही, तो 20 मिलियन के ऊपर 12% लगाओ, 2400 शायद, 2400 को 6/12 करो, सर 1200। क्यों कर रहे हैं 6/12? जी क्या बोले सर आप? 6/12 क्यों कर रहे हैं? तो छह मंथ का है ना, 6 महीने का है, बिल्कुल यू आर करेक्ट। अच्छा, जो हमारा डिविडेंड बनता है 8% के हिसाब से, वो बनता है 1200 फाइनेंस कॉस्ट, कितना बनता है उसके हिसाब से? सर फाइनेंस कॉस्ट बनता है 1200 बनता है। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड अभी जो पे किया है ना, वो ऊपर दिया हुआ सवाल में 800 जी, तो हम वो 800 ही ले लेते हैं। तो ये फाइनेंस कॉस्ट आ गई जी, और डिविडेंड पेड आ गया 800। इसका आंसर निकालना जरा, 20,000 इंटू 12% इंटू 6/12, सर 20,400 आएगा, 1200 सर 20,400 आएगा, तो टोटल आंसर आ गया 20,400। ये बैलेंस शीट में जाएगा एज अ लायबिलिटी जी सर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइनेंस कॉस्ट ये जाएगी एज अ एक्सपेंस राइट जी। अच्छा जी, अब चलते हैं लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ। लास्ट एडजस्टमेंट तुम्हारे पास क्या नजर आ रही है? सर ये डिफर्ड टैक्स होगा ना सर, आईएस 12 का आएगा। डायरेक्टर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30th सर, सर मेरे पर ये नहीं है, क्वेश्चन शेयर नहीं हो रहा है। अब हो रहा है? अब हो रहा है सर। तो डायरेक्टर्स के पास जो है वो, अच्छा क्यों शेयर नहीं हो रहा तुम्हारे पास? जस्ट हम सर अब हो गए, सर अब हो गए, अब हो रहा होगा। डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें इनकम टैक्स बनाना है 11.4 मिलियन। तो हमें ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा इनकम टैक्स है कितना। तो ट्रायल बैलेंस में जाके हमने इनकम टैक्स देखा, तो इनकम टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं नजर आ रही, नहीं आ रही सर। इसका मतलब है कोई अंडर या ओवर प्रोविजन नहीं है। ओके, डायरेक्ट जो है ना, आपने 11.4 मिलियन का टैक्स एस्टीमेट बना के टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करना है और टैक्स पेबल को क्रेडिट करना है, और टैक्स पेबल को क्रेडिट करना है। वरना अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन का तरीका मैंने तुम्हें बताया है। सर अगर इनकम आएगा तो क्या होगा सर? अंडर आ गया तो बोल के अंडर आता तो 11.4 में ऐड कर देते, ओवर आता तो माइनस। ओके सही है। अब बैलेंस शीट में देखें कि आपके पास डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है। 5800 और वो कह रहा है कि डेफर्ड टैक्स 6 मिलियन होना चाहिए जी। तो हमने कहा
डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है 5,800 और वो कह रहा है कि एंडिंग बैलेंस 6,000 होना चाहिए जी। इसका मतलब है 200 से क्या होगा? डेफर टैक्स एक्सपेंस, डेफर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा जी। हो गई सारी एडजस्टमेंट? जी सो गई। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। ओके सही है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, तो उसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, वो सारी उसके अंदर डालेंगे और उसके बाद फिर okay. अच्छा जी, उसने कहा था कि डेप्रिसिएशन जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगा, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगा जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी? एक मिनट रुको। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो हमारे पास रेवेन्यू होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना चाहिए, फिर एक्सपेंसेस होंगे, फिर फाइनेंस कॉस्ट आएगी, तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली डाल देंगे। सही है। ओके। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम बनाने जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग कर लेते हैं। ओके। हर चीज की वर्किंग दिखानी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अब चेक करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कितनी दी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस में दी हुई है 204,000। सही है जी। इसमें प्रॉपर्टी और प्लांट का डेप्रिसिएशन जाएगा, इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइजेशन जाएगी। ओके। अच्छा जी, R&D का रिसर्च कॉस्ट जाएगी। सो एक्सपेंस होती है सर। हाँ, उसने मेंशन किया हुआ ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स डाल दो। डाल दिए मेंशन किया हुआ है। COGS में ले, इसलिए हम एक्सपेंस को COGS में डाल रहे हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो प्लांट हमने बेचा था उसके ऊपर लॉस आया था जी, वो भी इसी में जाएगा। सर, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी मेंशन किया हुआ है क्या? कौन सा डाल दो? एक्सपेंस, जो एक्सपेंस होता है सब कौन सा डालते हैं क्या? वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद भी डाल सकते हैं और चाहे तो COGS में भी डाल सकते हैं। मतलब उसमें भी डाल सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं। सवाल में लिखा हुआ होगा तो वही करेंगे जो सवाल में लिखा हुआ होगा। सर, इसमें मेंशन नहीं किया है डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन डाल दो के? मेंशन दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दो। अब डेप्रिसिएशन जो हमने पीछे वर्कआउट किया था उसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। डेप्रिसिएशन कितना था? डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था सबसे पहले 2,500 जी, और उसके बाद डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 9,600। So 2,500 और 9,600, ये तो हमने डेप्रिसिएशन में डाल दिया। 2,500 प्लस 9,600 टोटल करो 13,100। 2,500 प्लस 9,600 12,100। 9,600 में 500 ऐड करेंगे तो 10,100 हो गया, फिर 11,100, 12,100 और 12,100 हो गया। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो अमोर्टाइजेशन निकाली थी वो अमोर्टाइजेशन हमने निकाली थी 4,000 की जी। तो अमोर्टाइजेशन हमने निकाली थी 4,000 की, वो ऐड कर दिया इसके अंदर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर
हमारा जो एक्सपेंस आया था उसमें रिसर्च थी 1400 और डेवलपमेंट थी 2400 जी, तो 1400 और 2400 और लॉस था हमारा 1500 जी, इन सबको प्लस कर लो सब 2,25,400 2,25,400 सही है 2,25,400 अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रेवेन्यू सवाल में दिया हुआ था 300,000 जी उसमें हमने 2,500 की एडजस्टमेंट पास की थी आंसर निकालो सर 2,95,497 ठीक है अभी ऊपर हमने COGS कितना निकाला 225,400 जी माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर 72,100 अब ट्रायल बैलेंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डीवी है एज इट इज ले लेंगे 14,500 उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है ओके लेकिन जो ट्रायल बैलेंस में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दी हुई है उसके अंदर हमें एडजस्टमेंट पास करनी है तो ट्रायल बैलेंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दी हुई है वो है 22,200 और एडजस्टमेंट हमें क्या पास करनी थी उसके अंदर हमें 400 का जो हमने प्रोविजन बनाया था वो इलिमिनेट करना था और 1000 की लीगल कॉस्ट प्लस करनी थी वो 3000 वाला इफेक्ट ओके टोटल कितना हो गया 19,200 नहीं दोबारा देख सो सब सुन एक सेकेंड जीरो ज्यादा लग गया 400 और 100 था अब करो सर 21,900 ये माइनस कर दो उसके बाद ट्रायल बैलेंस में फाइनेंस कॉस्ट दी हुई थी जी फाइनेंस कॉस्ट ट्रायल बैलेंस में दी हुई है 200 सर हम लोग फ्री फाइनेंस कॉस्ट किया था ना वो भी डाल लेंगे क्या वो भी डाल देंगे 1200 इसके अंदर माइनस कर दो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया कितना सब सर आया सर 34,300 34,300 अब इसमें टैक्स डालेंगे हाँ टैक्स में एक हमारे पास इनकम टैक्स था और 200 का डेफर टैक्स था ओके ये माइनस करो सर 11,400 कैसे है डेफर टैक्स का आया था इनकम टैक्स का था इनकम टैक्स वो एस्टीमेट किया था वो वाला जी एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ आपको The directors have estimated the provision is 11.4 million. Okay. Minus करो. So 22,700. 22. 700. अच्छा उसके बाद हमारे पास एक रिवैल्यूएशन डेफिसिट आ रहा था 4,500 का माइनस
ये यहां से माइनस कर दो, अठारह था 200। ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन गया। सर फॉर्मेट भी ऐसे ही होगा क्या? ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट। अब तुम्हें क्या करना है?